पारिवारिक फिल्म है। पारिवारिक फिल्म के साथ जो इसका जो ट्विस्ट है वो सबसे बड़ा है, वो अनोखा है, वो अद्भुत है, जो अब तक किसी सिनेमा में नहीं नज़र आया है। और साथ ही साथ जो मंजुल ठाकुर जी जो हमारे निर्देशक हैं, उनका जो अपना फ्लेवर होता है सिनेमा को सजाने का, वो पूरे फ्लेवर आपको इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और मेरे साथ साथ इस फिल्म में काफ़ी बड़े चेहरे, काफ़ी बड़े नाम आप सबको नज़र आएंगे, और ये फिल्म बहुत जल्द आप सबके बीच रिलीज़ होने वाली है। अक्षरा सिंह के बारे में क्या कहते हैं? अक्षरा बहुत अच्छी फ्रेंड रही है मेरी। अक्षरा जी जब भी उनके साथ काम किया हूँ बहुत अच्छा लगा है। हालांकि बहुत कम काम कर पाए हैं हम, व्यस्तता हम दोनों की आपस अलग अलग रहती है, और काफ़ी समय के बाद, काफ़ी अंतराल के बाद हम लोग फिर से एक साथ आने वाले हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक बा, भोजपुरी जो हमारे दर्शक बा, वो लोग के हमने की जोड़ी पर्दा पर इतना टाइम के बाद सौगंध गंगा मैया की हमने की आखिरी फिल्म रहे, ओकरा बाद हमने के विवाह में आवे वाला बानी, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग रही, काफ़ी धमाकेदार रहे। चिंटू जी, वैसे सबसे खास बात है कि जितने सुपरस्टार्स हैं उनकी अपनी फिक्स जोड़ियां हैं, चिंटू की ऐसी जोड़ी मुझे कुछ खास नजर नहीं। मेरी जोड़ी है ना, बताइए ना। मेरी जोड़ी मेरे दर्शक हैं, मेरे लोग हैं, जिनके साथ मेरी जोड़ी हमेशा बनी रहती है, और मैं ये कामना करता हूँ, और ये आप मेरे सभी जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे भोजपुरिया दर्शक, जितने भी मेरे माटी के लोग जो देख रहे हैं, जो मेरे अपने खून के लोग जो देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि ये जोड़ी हमेशा बरकरार रखें, और हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद जो चिंटू को देते आए हैं, वही प्यार वही आशीर्वाद सदा ताउम्र मरते दम तक देते रहें जी। तो ये आखिर क्या पिताजी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है गाइए या? दरअसल मेरे पिता की फिल्म में मैंने कभी गाया ही नहीं, मतलब उन्होंने ना कभी बोला और ना मैंने कभी गाया, क्योंकि एक फिल्म थी माई रे माई हमरा उहे लेके जाई, उसमें एक गाना गाया मैंने, पांडे जी का बेटा हूँ, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी विवाद भी, भोजपुरी का अब तक का सबसे बड़ा विवादित गाना रहा। तो वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया, तो पहले हम जब उससे पहले जब प्रमोशंस में जाते थे अपने किसी भी फिल्म के, जब दर्शकों से रूबरू होते थे, जब थिएटर्स में आते थे, तो दर्शक हमेशा ये हमें बार बार बोलते थे कि आप गाना गाइए, अपनी आवाज़ में गाइए, हमको आपकी आवाज़ में गाना सुनना है। तो पांडे जी का बेटा बस यूँ ही हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, गाना सुन रहा था, तो जो हमारे जो निर्देशक थे उस फिल्म के और जो उस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो अजय कुमार झा जी जो निर्देशक थे और म्यूज़िक डायरेक्टर छोटे बाबा जी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये गाना गाइए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ये गाना बहुत अच्छा गाया है ऑलरेडी रितेश भाई ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ये गाना गाइए, अच्छा लगेगा, क्योंकि गाना आपके ऊपर है, पांडे जी का बेटा आप हैं, तो आपके ऊपर है, तो आप अपनी आवाज़ में गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में गा दिया, और उन लोगों ने वो गाने को फिल्म में रख दिया, और काफ़ी उसी आप सबके हमारे दर्शकों की देन है कि इतना बड़ा गाना रहा, 2018 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना रहा वो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और वह कड़ी में हम अब जौन भी अभी होली के जौन त्यौहार आ रहा बा, होली के रंगीन त्यौहार में हमार एक से एक रंगीन और धमाकेदार गाना, बहुत सारा म्यूज़िक चैनल पर, बहुत सारा कंपनी के माध्यम से गाना आवे वाला बा, और हमार बहुत जगह हम कमेंट में देखी नहीं कि हमारे भाई लोग जौन बा, जौन हमारे दर्शक लोग बा, वो सब लोग बार बार हम कमेंट में कहा था कि भैया आप गाना गाइए, आप गाना गाइए, तो उन्हीं की मांग पर गाना गाना है। हाँ, रफ़ीक जी और अनवर जी की एक बहुत ही कमाल की फिल्म है, जिसका भी टाइटल अभी फाइनल होना बाकी है। और रफ़ीक जी की बात करूँ तो वो मेरे बहुत ही खास हैं, अनवर जी रफ़ीक जी दोनों बहुत ही प्रिय हैं मेरे, क्योंकि जब भी किसी भी फिल्म का जब सोच लेकर चलते हैं तो इनकी सबसे पहला पसंद चिंटू होता है, और मेरे भी पहली पसंद अगर मैं बोलूँ तो रफ़ीक जी होते हैं, अनवर भाई होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करना, क्योंकि अब बहुत पारिवारिक लोग हैं हम लोग, कोई ऐसा प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है हमारा, आपसी रिश्ता है। तो चूंकि मैं इंडस्ट्री का बच्चा हूं, तो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सबसे मेरा पारिवारिक संबंध है, सबसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मेरे सभी बहुत अपने से लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के बीच में काम करना, उनके बीच में, क्योंकि बचपन से उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूं, तो बहुत खुशी होता है। चिंटू जी, गा के कुछ सुनाना चाहते हैं? गा के एक अभी एक फिल्म है मेरी, फिल्म का नाम है प्रेम गीत, उस फिल्म का एक गाना है, लड़की बोलती है कि छोड़ दा हम चक्कर वक्कर। स्वागत है अनिल जाधव जी का, और मेरे कई मित्र रहे हैं मुंबई में, वो मैंने उनको बताया कि मेरे कई सारे मित्र भी थे, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे जब किसी अन्य नॉन भोजपुरी लोग जब हमारे भोजपुरी में जब कदम रखते हैं,
तो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि भोजपुरी जो है कहीं ना कहीं सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसता है, और आज देश विदेश तक इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है, तो हर कोई चाह रहा है कि भोजपुरी में आके कोई सिनेमा का निर्माण करने का, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, और हम सभी लोग पूरे बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि वो नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ भोजपुरी को एक नई दिशा और बहुत खूबसूरत दिशा देंगे, और उसी जोश के साथ हम लोग उस एक फिल्म का निर्माण शुरू कर रहे हैं, जो फिल्म के बारे में आप सबको बहुत जल्द पता चलने वाला है। मैं बिल्कुल तहे दिल से गोविंद मंगनानी जी, अनिल जी, रफीक भाई और अनवर भाई को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इनकी नई कंपनी के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये और अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, और इसी तरीके से हिंदी, भोजपुरी, मराठी हर तरीके की फिल्में बनाएं और लोगों को हमेशा हमेशा एक अच्छी चीज़ें प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, यानी राजकुमार और पांडे की तरफ से, और मैं बधाई दूंगा हमारे अनवर बिरानी जी, हमारे रफीक शेख और गोविंद जी, अरुण जाधव जी, ये लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने चारों ने मिलकर प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका आज उद्घाटन है, और पूजा पहले लोगों ने किया है बहुत विधिवत, जो हमारे समाज में जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है, और बस यही चाहूँगा कि गणपति बप्पा एकदम सुख शांति और प्रोडक्शन में बहुत अच्छी वृद्धि दें। चूँकि अनिल जाधव जी मराठी व्यक्ति हैं, महाराष्ट्रीयन हैं, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई है नॉन भोजपुरी लोगों ने, तो मैं दिल से चाहूँगा कि वो और सक्सेस हों, क्योंकि जब नॉन भोजपुरिया कोई इस इंडस्ट्री में आता है और उसके लिए काम करना चाहता है, तो बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी रीच जो है, हमारी भाषा की पहुँच जो है, वो बहुत सारे दिलों तक पहुँच चुकी है, और उस कड़ी में अगर ये आते हैं और काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है एक इंडस्ट्री के लिए और हम सब के लिए। पांडे जी, आपकी फिल्म आ रही है जिसकी चर्चा है अभी शुरू हो गई है, पांचाली के निर्माण जी, और ये फिल्म अपने नाम को लेकर, शायद अपने विषय को लेकर या आपको लेकर कहीं ज्यादा चर्चा में, हमें पांचाली के बारे में थोड़ा सा। पांचाली एक बहुत एक जो सच है, मतलब समाज का सच जो है वो लेकर आने वाली है, और भोजपुरी में शायद पहली बार ऐसा होगा जो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह लेकर आने वाला है, जो ट्रूथ को लेकर आने वाला है, सच्चाई को लाने वाला है। नहीं तो नॉर्मली मैंने भी जैसे बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, 40-45 फिल्में बनाई हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उसको एक बहुत अच्छा रंग दे देते हैं जो कमर्शियल एंगल होता है, और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा उसमें ये रखते हैं, लेकिन पांचाली प्योरली एक कॉन्सेप्ट है, और उसका पोस्टर ही आएगा तो बहुत, मुझे लगता है बहुत लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी अच्छा लगे, और मैं चाहता हूँ कि जिसको ना अच्छा लगे वो ज़रूर देखे, और जिसको अच्छा लगे वो तो देखने वाला ही है पांचाली को। तो पांचाली अपने आप में वो विवादित कहें या ना कहें, मैं उस हर चीज़ के लिए तैयार हूँ कि पांचाली आए और जिसको जो सोचना उसके बारे में सोचे, लेकिन एक डायरेक्टर को, एक राइटर को आज़ादी है अपने सोच को साकार करने के लिए, और उस कड़ी में मैंने फिल्म की प्लानिंग की, और फिल्म जब बनके आएगी तो मुझे लगता है कि लोगों ने, जब लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वाकई ये ट्रूथ जो दिखाई गई फिल्म के अंदर, ये सत्य है, और उसको दिखाना ज़रूरी था। पंचाली के स्टार कास्ट फाइनल हो चुके हैं, लगभग हो गए, लेकिन मैं नाम बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं करूँगा, अभी हमने एक ही लड़के को जो फाइनल किया है पूरी तरह से, उसका नाम है रवि यादव, और जो बहुत मेहनती है, और एक उधारी बाबू जो हमारे इंडस्ट्री का लड़का है, बहुत मेहनती है, उसके अलावा बाकी रेस्ट कास्ट जो है अभी एक दो दिनों में, मतलब फाइनल हो चुका है, लेकिन रिवील अभी हमने नहीं किया है, करूंगा और एक अच्छे पैमाने पर फिल्म को लेकर आऊंगा। आपने कहा कि किस लोग, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आए पोस्टर, लेकिन डायरेक्टर की अपने दिल की बात है, जो मैं कहना चाहता हूं कहूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा ना, जब भी कोई कॉन्सेप्ट किसी भी भाषा में या किसी इंडस्ट्री के अंदर जब एक लेकर कोई आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसके बारे में टीका टप्पणियाँ करते हैं, तो मुझे वो उस बात का है उम्मीद कि हो सकता है लोगों, बहुत सारे लोग, क्योंकि जब आप कुछ बेहतर करने चलेंगे तो लोग फिंगर आउट करते ही हैं, उंगलियाँ उठाते ही हैं, और उस कड़ी में पांचाली, चूँकि नाम ही पांचाली का ऐसा नाम है कि जो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी से, चूँकि मेरे पास कॉल्स भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने नाम क्यों रख दिया है,
तो लोगों को लग रहा है कि कंट्रोवर्सी है, मुझे लग रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत बेहतर है, वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है शायद? नहीं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन जो सत्य है वो तो दिखाना चाहेंगे ना हम लोग। मतलब एक फिल्म को लेकर जो कहानियाँ हैं, जिससे लोगों को सीख मिले, समाज को एक अच्छा संदेश मिले, और अगर ऐसी कोई फिल्म आती है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी भाषा में भोजपुरी के अंदर अब कॉन्सेप्ट ड्रामा आना शुरू हो गया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक फिल्म देखी थी मेहंदी लगा के रखना 2, जो बहुत खूबसूरत फिल्म थी, मंजू ने डायरेक्ट किया था, अनंजय ने उसको प्रोड्यूस किया था, चिंटू उसमें बहुत बेहतर अभिनय किए थे, इनफैक्ट वो लड़की जिस फिल्म की थी उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो यश मिश्रा उसमें थे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो अब बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही जो अपने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बन रही हैं। जैसे विवाह की अभी मैंने कहानी सुनी प्रदीप भैया की, वो कमाल का कॉन्सेप्ट है। एक और फिल्म की कोई चिंटू जो कर रहे हैं, प्रेम गीत, एक अपने आप एक मुद्दा है, तो नायक अलग सा मुद्दा है। तो अब जो ड्रामे आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर बहुत अच्छे पैमाने पर फिल्में बनाना शुरू कर दिया है। जितने एक्टर हमारे इंडस्ट्री के हैं, जितने हीरोज़ हैं या एक्ट्रेसेस हैं, मैं हीरो की मेन बात करूँगा और प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की, कि वो सभी खूबसूरत फिल्में बनाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ही मुझे रंग लगा पाएंगे दूर से रंग मारने वाला हूँ। तो अभी होली का तो कुछ तुरंत नहीं ध्यान में है, लेकिन इतना कहूँगा कि ये चूंकि होली का त्यौहार आ रहा है और आप सबको बहुत सारी शुभकामना होली की, और बहुत एडवांस में मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये अभी 1.5-2 महीना बाकी है, इन दौरान आप बहुत सारी तैयारियां कर लीजिए होली की, और आपके घर में खुशियां हो, रंग की तरह आपका आपकी ज़िंदगी जो है रंगों की तरह खूबसूरत और रंगीन हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं करण पांडे, सबसे पहले अनिल जाधव जी, गोविंद जी और हमारे दोस्त अनवर भाई और रफीक जी को मैं सबसे पहले जॉइंट वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक मराठी मानुष, मी मुंबईकर, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, हम मुंबई से हैं, भले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मी मुंबईकर एक मराठी मानुष आके हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अभी मेरी कल ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है ओल्ड बालाजी का वेब सीरीज हीरो वर्दी वाला, वो 25 तारीख को रिलीज हो रही है। मैं चाहूँगा भोजपुरी के सारे दर्शक ओल्ड बालाजी के एप्लीकेशन डाउनलोड करें और महेश पांडे द्वारा बनाई हुई ये जो वेब सीरीज़ है वो ज़रूर देखें। बाकी तो अभी चिंटू जी के साथ ही प्रेम गीत करके आए, बॉस आ रही है, खुशी हो रही है। आज मैं मिस्टर अनिल जी, गोविंद जी, रफीक जी और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अनवर भाई, जिनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो आज एक नई कंपनी लेकर आ रहे हैं हमारे इस इंडस्ट्री में, जो हर तरह की फिल्में बनाएंगे, और मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। अच्छी अच्छी फिल्म बनाएं, लोगों को एंटरटेन करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दें। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले सबको नमस्कार, सलाम। ये 4 Pals और जयश इंटरनेशनल फिल्म्स, दोनों फिल्म्स कंबाइन का आज यहाँ पर हम लोगों का ऑफिस का उद्घाटन है, मुहूर्त है, और इसी मुहूर्त में सभी लोग, चिंटू जी आए, राजकुमार पांडे जी, रवि भैया आए, रिक्की मास्टर, करण पांडे, सभी लोग आए, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आए हम लोगों को बधाई देने के लिए। और ये हम लोग चालू कर रहे हैं, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चालू कर रहे हैं, और 2 फिल्में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, इस 6 इंटरनेशनल फिल्म्स और 4 Pals कम्बाइंड में। जी ये अनिल जी हैं, हमारे पार्टनर हैं, तो हमारे 4 Pals में कि हम 2 हो गए, एक अनवर वीरानी और गोविंद जी, हम 4 लोग हैं, और 4 लोगों ने मिलके अलग अलग, पहले सोचा था कि एक अलग अलग करना है, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन अलग करते हैं और ये अलग करते हैं, फिर हम लोगों की एक मीटिंग हुई कि नहीं अलग अलग करने से ऐसा क्यों ना एक साथ किया जाए, और चारों ने मिलके एक साथ फिर हम कंपनी फाउंड की, और आज आप लोगों के सामने आज हम लोगों का मुहूर्त है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग आपको गुड न्यूज़ देंगे कि 2 फिल्में और कौन सी फिल्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं होली में, ये भी आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। 4 Pals हिट है मतलब? हाँ, 4 Pals है। सर कैसे ये काम चल रहा है भाई, अलग अलग करने वाले थे कि एक साथ आए और
जी हाँ, पुरानी पहचान थी। गोविंद जी भी एक अच्छे इंसान है। ये एक्चुअली गोविंद जी नॉन फिल्मी है, प्लस अनिल जी भी नॉन फिल्मी थे। ये दोनों नॉन फिल्मी है और अनवर भाई और मैं, हम दोनों फिल्मी थे। तो क्या अनवर भाई और गोविंद भाई मिलके एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चालू करने वाले थे, तो हम लोगों ने ये हम दो चालू कर रहे थे फिल्में। तो हम लोग बैठ के एक बार डिसाइड किए कि क्यों ना एक साथ किया जाए, एक ही ऑफिस और एक ही साथ, और फोर पाल्स के नाम से हम लोगों ने कंपनी फिर फाउंड की और आज मुहूर्त किया है हम लोगों ने, और इसी आगे बढ़ते हैं। अभी देखते क्या होता है। हाँ, पहली बात तो मैं इसमें पार्टनर नहीं हूँ। मेरा नाम है रवि त्रिपाठी, मैं इंडियन आइडल 2 से हूँ और मैं मित्र हूँ रफीक भाई का, अनवर भाई का, और हम सब शुभकामना देने आए हैं यहाँ पे। और अच्छे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं, अच्छी चीज़ शुरुआत करते हैं तो उसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर इन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली है अपनी, आज इसका उद्घाटन किया है और सब सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल का सिनेमा हमको देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद करेंगे बढ़िया फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी और अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। तो रफीक भाई, अनवर भाई, फोर पल्स, आपको सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी फिल्म में अभी एक फिल्म हम साथ में प्लान कर रहे हैं और एक फिल्म पहले हो चुकी है जो ज़्यादा मालूम ही है, बस एक बार आ जाए तो फिर मैं अपना उस तरह से परिचय दूंगा। अभी मैं हिंदी इंडस्ट्री में हमारी कुछ नारियल तोड़ने मूड में नहीं है। नारियल रफी भाई ने आज हमने तोड़ दिया है। वैसे हम एक फिल्म कर रहे हैं, एक फिल्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, एक फिल्म में ये कर रहे हैं हमारे साथ, और पहली फिल्म में ही ये हम लोग साथ में करेंगे। फिल्म झारखंड में शूट होने वाली है। अब फिल्म का टाइटल और आर्टिस्ट मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, मालूम पड़ेगा ये आपको। हाँ, रवि जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनिल जी तो इस इंडस्ट्री से नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी इनको दो शब्द इनको बोलने दीजिए। अभी क्या है अनिल जी? हाँ जी, दो लाइन बोल दीजिए। मेरे लिए तो ये एक्चुअली लाइन ही नहीं है, बट अभी सब साथ में है तो देखते हैं। नहीं है और है, ये एक्चुअली बहुत शाई नेचर के हैं और थोड़ा सा रिजर्व, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है और इन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिया है, अनवर भाई पे, हम लोगों पे भरोसा किया है और इंशाल्लाह हम लोग इनका भरोसा कायम रखे, बस यही उम्मीद करते हैं। सही जगह भरोसा, सही जगह पे भरोसा। हाँ, और है उनको भरोसा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। हिंदुस्तान को सर जमीन है हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम करूँगा। मैं अफगानिस्तान का रहने वाला आदमी, मैं हिंदुस्तान में आके बसा, फिर मैंने सोचा कि मैं एक फिल्म बनाऊं, तो मैंने खुदा गवाह बनाई, मेरे भाई ने 1, 2 का 4 अंगार मेरे चाचा की पिक्चर थी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी भोजपुरी पिक्चर की एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन बंगाल। फिर मुझे 4 दोस्त लोग मिल गए जिसका नाम 4 पैल्स और जयस फिल्म इंटरनेशनल रखा गया था। फिर हम दोनों साथ में मिल के बोले चलिए एक फिल्म बनाते और डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो उस वजह से ये नाम लिया गया है, 4 पैल्स फिल्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम हिंदी भी बनाएंगे, हिंदी भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भोजपुरी फिल्म बनाएंगे, भोजपुरी भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है लाइन पाइपलाइन में। मैं साफ सुथरी फिल्म बनाऊंगा और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे साइड में जो बैठे गोविंद जी है जो मेरे पार्टनर है, और अंशुल है वो एक्टर है बेसिकली और मेरा दोस्त है। गोविंद जी, जी सर, कैसे ये सपना साकार हुआ कि बेसिकली कभी सोचा था कि सर मैं प्रॉपर इंदौर का हूँ जी और पॉलिटिशियन हूँ, 2 बार का MLA रह चुका हूँ। मेरे बेटे को अभिनेता बनना है इसलिए मैं बॉम्बे आया हूँ। उसकी एक फिल्म कंप्लीट भी हो चुकी है हिंदी में, यंग बाइकर्स। तो फिल्म इंडस्ट्री को समझने के लिए मुझे अंदर जाके डीपे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब सीखने के लिए आप जैसे दोस्तों से शेयर किया है और इस लाइन में आया। लेकिन आपके पास तो वक्त होगा नहीं, अगले बार फिर चुनाव आएंगे, फिर लड़ने चले जाएंगे। नहीं, अभी 2 महीने पहले जो इनके चुनाव हुए थे उससे मैं फोर्सली बोला गया था सीनियर नेताओं ने, मैंने साफ मना कर दिया कि अब मुझे जीना मरना बेटे के लिए। 63 ईयर मेरी अभी एज है, इस एज में ऐसा फिर MLA या राज्य में जो लोग जाते हो अच्छे लोग जा ही नहीं सकते, तो अब नेता बनने कोई बात नहीं। मैं 2 बार जब चुनाव लड़ा तो आप इंदौर के नहीं हो तो इंदौर में मेरे नाम की जो पूजा होती है वो वही लोग जानते हैं,
मैंने दोनों चुनाव में एक रुपये चंदा भी नहीं लिया और लाखों करोड़ का खर्चा किया। तो अभी भी कोई भी MLA चुनाव लड़ रहा हो, 5 करोड़ जेब में हो तो चुनाव लड़ने जाओ, नहीं तो मत जाओ। विधायक जी, अनवर जी कुछ चंदा देना चाहेंगे? ये तो सब मैं जान रहे थे, इनके पीछे मैं यहाँ बैठा हूँ। इन चारों में तीन जो पिलर है, मैं तो नया आदमी, ये मुझे अपने साथ पार्टनर बनाए, इन सबकी मेहरबानी है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप खुद विधायक रह चुके हैं और आपके बेटे जो है वो राजनीति में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप उन्हें फिल्मों में लाना चाहते हैं, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं सर, बेटे को जब भी अभी वास्तव हीरो जैसी पर्सनलिटी है, 6 फुट 1 इंच हाइट है, एक्टिंग बहुत अच्छी आती है उनको, और प्रॉपर इंदौर से सलमान जी भी इंदौर के हैं, लता जी भी इंदौर के, इंदौर के दर्जनों नाम मैं बोल सकता हूँ जो इंदौर से जुड़े हुए हैं। तो मेरा भी सपना उस इंदौर की मिट्टी से मेरा बेटा पैदा हुआ है, कभी अल्लाह ने भगवान ने चाहा तो वो भी उस ऊंचे पे आएगा। वो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, नाम कमाने के लिए आया। जी हाँ, मेरा नाम अनुशील चक्रवर्ती है, बेसिकली मैं एक्टर हूँ, फिलहाल तो भी म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ। और जहाँ तक अनवर सर की बात है, इनको मैं 2 साल से जानता हूँ, थैंक्स फॉर हिज डीप एंड वार्म हार्ट फ्रेंडशिप, और इनको बेस्ट विशेज देता हूँ। और जो 4 पिलर्स हैं 4 पैल्स फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, उनको भी मैं बेस्ट विशेज देता हूँ, और उम्मीद है कि आप सबके साथ मैं एक दिन ज़रूर काम करूँगा। कुछ नहीं ओपन करूँगा, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स होली के पहले पहले सब फाइनल हो जाएंगे, हिंदी और भोजपुरी दोनों। तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये हम लोग की अपनी खुशकस्मती है कि सर ये 4+ फिल्म और ये जय सिंह नेशनल फिल्म के उद्घाटन में हम लोग आए हैं, और ये हम लोग की तरफ से हार्दिक बधाई है, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। मैडम कुछ शुभकामनाएं दीजिएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पूरी है। मैं तो विजय सर से बहुत सुनी और आज मैं देख भी ली, आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इन लोगों को शुक्रिया करूंगी कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ी रहूं और मुझे अच्छा लगेगा इन लोगों के साथ काम करना। आपने एक फिल्म प्रोड्यूस किया ससुराल धोखेबाज जी, कब तक रिलीज कर रहे हैं? अनवर जी खरीद लिए हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं, अभी बात चल रही है लेकिन फरवरी तक उम्मीद है कि आएगी मार्केट में। और कौन कौन से कलाकार हैं बताएंगे? इसमें बंदनी मिश्रा की है, आनंद मोहन है, रिजी मैडम है, रिजिम है, बबलू है, अतुल श्रीवास्तव है, हमारे सर भी हैं इसमें मेन रोल में। सर क्या क्या रोल किया बताएंगे हमारे? सर लड़की के पिता बने हैं। पिता बने के हीरो बने हैं? तो नहीं, लड़की के पिता बने। अब हीरो बनने के लायक कहाँ रह गए सर? विजय जी आप कैसे हीरो नहीं बना सकते बताइए? अब सर ये बाप दिखते हैं तो बाप ही बना सकते। यही ससुर है क्या धोखेबाज? नहीं ये ससुर आप देखे नहीं थे क्या? वही ट्रायल आप ट्रायल देखो तो आपको पता चल जाता। और कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा के बारे में? कब तक रिलीज कर रहे हैं? बस फरवरी में इसको रिलीज कर रहे हैं। आई एम अ फिल्म एक्टर एंड मिस इंडिया। मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी और एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे बोलूँगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, एक न्यू प्रोडक्शन हाउस खुला है और बहुत गर्व की बात है ये। इट्स कॉल्ड फोर पैल्स एंटरटेनमेंट, जिसमें फोर पीपल हैव कम टुगेदर। तो ये बहुत अच्छी गठबंधन है जिसमें गोविंद जी भी हैं और अनवर भाई भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यू नो आई विश देम ऑल द बेस्ट कि आई होप। एंड ऊपर से इट्स लाइक अ नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो, बिकॉज अलग अलग रिलीजन के हैं और साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो एज एन इंडियन बहुत गर्व की बात यह है। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट कि अच्छी क्वालिटी मैसेज बेस्ड फिल्में बनाएँ और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं ज़रूर साथ में रहूँगी। Thank you and God bless you. All the best. Thank you.